ब्लडी आर्मी। बोले तो सब मजे में ना, बोला था ना गोस्ट वीडियो लाता हूँ डार्क ऑफ डार्केस्ट बोल के। अब डार्क ऑफ डार्केस्ट बोला हैंडल करो मेरे डार्क जो कहूँगा सुने ना। सही बोले तो इतना डार्क में कभी किसी के लिए नहीं लिखा। कर रहे हैं भी इतनी नीच हरकत है और पोटियाँ क्या करेंगे। हर पोटी नहीं जितने में लिया जीते का दो है गिनती के आरो। बाकी बहुत तगड़ा 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 रोस्ट रहने वाला है, देख लो हैंडल कर लो। बाकी और व्लॉग देखे मेरा नहीं देखे तो देख लेगा। और एंड में एक चीज और एक वार्निंग देना है, जरा एंडिंग तक रुको, एंडिंग में सुन ले के उसके बाद चले जाओ। क्या करते कर लो उसके बाद वीडियो के बाद, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सुन लेना। चलो आगे बढ़ो। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पर चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। से मिलो, ये है श्रद्धा कपूर की 10वीं अश्लील कॉपी। समझ में आया कुछ? फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वुमेन वैगना में सम बैक्टीरिया ऐसे रहते जो सेम दही जमाने के लिए लगते। सो इन लोगों को इतना बोलना, देखो ऐसी ठरक फैलाते, फिर बाद में इन लोगों को कुछ गलत बोल दिया तो फेमिनिज्म जाग जाता। इन दिनों क्या है मालूम, पोतियों को फेमस होने के लिए ज्यादा क्रिएटिव या ज्यादा मेहनती होने की जरूरत ही नहीं है। बस अपने बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड कुछ भी डार्क ह्यूमर वाली बात कर दो, अपने हवस के पुजारी लौंडे तो है इस जैसी को वायरल करने के वास्ते। नहीं क्या लौंडे का काम है। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। अरे वो थरक की पुजारन, जहाँ वुमेन्स एंड गर्ल्स के साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, वहीं अश्लीलता की पुजारन उन्हीं बातों को एज अ फन शो कर रही है। अरे वो जरा सोच ये इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करता। ऐसे वीडियोस देख के राउंडों के दिमाग में ये बढ़ता, अरे लड़की को लिफ्ट देने से वो सब कुछ करेगी जो कहेंगे। इसके कारण कुछ वाहियात कुछ खौफनाक हादसे हो जाते जिसका शिकार कोई और लड़की हो जाती। ये कर कैसे लेती है यार, छी इनके घर वाले होते हैं या अनाथ होती है ये सब? अगर घर वाले होते तो ऐसी हरकत तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली अनाथ होते होंगे ना। वो तो घर वाले इतनी सो डिस्गस्टिंग यार। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं वो व्हाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज बहती है। हंसो यारो हंसो, डार्क ऑफ डार्केस्ट मार दिए बहन की टकी। जोक सो कॉल्ड जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए, शी टॉकिंग अबाउट मेंस स्पर्म। मेंस स्पर्म गलत बोली रे तू, गलत बोली, बिल्कुल गलत बोली। उसको उधर से नहीं पीते जिधर से तू बोली, समझी? उसको कहीं और से पीते और पीते भी नहीं उसको डालते। काश किसी और ने भी ये पिया होता तो कम से कम हमें ये अश्लीलता तो देखने नहीं मिलती सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी के नाम पर। घिन आती यार ऐसे पोटियों को देखे तो, छू लोगे पर इसको बहती हुई मछली नहीं पिलाना, इसको पे मारने वाला जहर पिलाना, इसको क्या इसे पोटियों को वही पिलाना। बहती हुई मछली की जाती हूँ वेजिटेरियन, हट तेरी जात का। I bet you don't know this. आज मुझे मेरे होठों के लिए मिली है गुलाबी चीज और वो कुछ ऐसे दिखती है। खास बात बताओ, इसे हिलाने पर ये चमकता है। इसका स्वाद काफी मीठे तरबूज जैसा है। 5 ग्राम की लिपस्टिक सिर्फ 50 रूपए में, मुझे तो काफी अच्छा लगा। 0 से 10 के पैमाने पर मैं इसे 7 दूंगी। इसका नाम है मुस्कान। खैर नाम और शक्ल दोनों पे भी ना खुदा। तुम लोग बोलो आरोही ने लिपस्टिक का रिव्यू करी या मैन स्टिक का रिव्यू करी, कई का रिव्यू करी बोलो तुम। चावल इसको मालूम है यारो, गली गली मेहनत करने से बेहतर एक गली दिखा के वायरल हो जाओ। आजकल क्या चल रहा बोले तो कपड़े, लड़कियों के कपड़े और उनकी सोच दिन पे दिन छोटी होती जा रही। लिपस्टिक टेस्ट अच्छा दिखा करें बट जो तरीके से मुंह में लिपस्टिक डाली, कैजुअल तरीके से डाली, एक्सपीरियंस बहुत है उसको जॉब करने का। I bet you don't know this. आज मैंने मेरे घने जंगल से पाई एक अनोखी चीज और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुझे करक चीजें बहुत पसंद है। इसके स्वाद में कैरमल और चॉकलेट का मिलन है। घना जंगल, आई नो तुम लोगों की भी सोच उधर ही गई जिधर इन्हें भेजना चाह रही थी। लड़कों इसको हार्ड चीजें पसंद करते, हार्ड जस्ट लाइक रॉड, आयरन रॉड, गलत न को समझो। ऐसी लड़कियां जो रहते ना अपने जिस्म के एक एक कोने का फायदा उठाते, लो एक एक कोने का,
फिर अगर कोई कुछ गलत बोल दिया ना तो उसकी सोच घटिया। वाह वाह क्या क्या लॉजिक किधर है। अरे वो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, एक चीज सोचो तुम ना, तुम ना जब किसी भूखे के सामने खाना रखेंगे कितना भी उसूलों वाला रहने दो, उन्हें खाना तो खाएंगा ही ना। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे ना, समझ गए ना बस। और देखो बैगन की मेरी दिमाग कैसा, इतना कॉन्फिडेंस कैसा आता क्या रहोगा मेरे पास, इतना कॉन्फिडेंस रहता था ना साला, 1 मिलियन पार हो गए थे मेरे अब तक। Bet you don't know this. आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुझे खट्टी चीजें काफी पसंद है। यह काफी खट्टा ताजा और चिपचिपा है। इसको जरा समझो यारो, इसके संतरों में से जूस नहीं निकलता, कुछ और निकलता जिसको बोलते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, मिल्क, दूध, और वो भी अभी नहीं, पहले शादी होना फिर उम्मीद होना, जब जाके सुनी क्या करूँ यार मैं, नहीं करता था मैं ऐसे डार्क बात, बट इन लोगों की वजह से मेरे को थोड़ा 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 2019 सीट कर रहा। और ये बात लिख के ले लो, जिस दिन मैं रेस्पेक्टेडली रोस्ट करना छोड़ूंगा ना, अपने जेंडर से शर्मा जाना है ना। है ने संतरा बोली, जब से मेरे को भी संतरा का जूस पीने का दिल बोल रहा। और ये इसके संतरों का जूस नहीं होता। मेरे को दूध नहीं पसंद है यार, संतरे ज्यादा पसंद है, संतरे का जूस पीरो। गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। ये जो लौंडे थे ना, ना इसका बॉयफ्रेंड था ना इसका बेस्ट फ्रेंड था, जी सही सोचिए आप, फैन था, जी हाँ फैन। इसी के चक्कर में लौंडे हर फीमेल इन्फ्लुएंसर को ऐसी समझ से ऐसी, और अगर ऐसी हरकत के कहीं और किसी और बच्ची के साथ करे ना, सीधा हरासमेंट का केस ठोक देती उन्हें, बेइज्जती होती वो अलग। अरे लोग कैसा समझाना यारो, कपड़ा नाम की चीज जो है ना वो जिस्म छुपाने के लिए होती, छुपाने के लिए, जिस्म की नुमाइश करने के लिए नहीं होती, कहीं के लिए नहीं होती। और इसकी जिससे भी शादी होंगी ना, वैसे तो इसकी शादी हो चुकी है शायद, इसकी शादी जिससे भी होंगी ना उसको पार्किंग बहुत बड़ी मिलती है यारो। फर्ज करो उसके पास बाइक है तो उसको 2-3 कारों की तो पार्किंग आराम से मिलती। आई होप यू अंडरस्टैंड What I am trying to say. Thank God, पानी मिल गया यार। यहाँ पे पानी का बॉटल लेना भूल गई थी, but thankfully यहाँ पे बीच-बीच में ऐसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज बने हुए हैं, so you can take a break and have some water. वाह, क्लैप्स यार, क्लैप्स। इसने पानी पिया। Oh my God, इसने सच में पानी पिया। सच्चा अनबिलीवेबल इंसिडेंस यार, इसने सच में पानी पिया। ओ माय गॉड, इसकी जात का पर्दा फाश यारो। अगर तेरे को पानी पीना था ना तो कम से कम सीना तो ढक लेती, दुपट्टा, ये दुपट्टा नाम की भी चीज आती, ऐसा ऐसा कम से कम सीना तो ढक लेती। चल तू इधर पानी पेरी, न जाने उधर कितना दूध वेस्ट हो रहा, कितना वेस्ट हो गया होगा। और रही बात इसकी मांग है और इसको मंगलसूत्र है, इसलिए बोला मैं दूध का नुकसान हो रहा, बल्कि समझ गए, इन्हें इधर सिर्फ पानी पी के मिलियंस में व्यूज लेके चल जा रही, उधर जो रियल में कंटेंट बना रहे हैं, रियल में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, और ना स्ट्रगल ही करते रह जा रहे हैं कई को, तो ना इसके ऐसे इलों के ऐसे अपने जिस्म की नुमाइश तो नहीं कर रहे ना। और क्या बोलते, हैट्स ऑफ टू दोज गर्ल्स हु आर डूइंग हार्ड वर्क एंड वेल। क्या इलों के ऐसे ना होने ला, क्या है एक सीख लिया ना, खैर उधर मेरा दूध गिर जा रहा, मेरा दूध वेस्ट हो जा रहा। मुझे एक बहुत ही सिंपल और सिली सा मूवी है, इसमें फनी फनी एलिमेंट्स, हॉरर तो बहुत ही कम है। इफ दैट्स योर चॉइस टाइम पास के लिए कोई मूवी देखना है तो यू कैन गो।
पागल है क्या? तेरे पास शर्म है या नहीं है, या मॉल और बेडरूम में फर्क करना भूल गई? देख, ये होता बेडरूम और ये होता मॉल, इधर होता पर्सनल काम। वही पर्सनल काम जो 27 साल पहले तेरे पेरेंट्स ने किया होगा तभी तेरा आना हुआ था। और ये है मॉल, यहाँ होता है घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना पीना, मूवी। और जिसको तो ड्रेस पहन के, ड्रेस समझ के पहन के निकली ना, उसको अंदर का ड्रेस पहनते, एज अ ड्रेस नहीं पहनते, जीबी रोड की मॉडल समझी। तेरे हाथ में जो पॉपकॉर्न का बॉक्स है ना, वो तेरे फेस और तेरे कपड़ों से बड़ा है, उससे तो सीख कुछ। इन लोगों को अच्छे से मालूम यार, अटेंशन कैसा ग्रैब करना बोल के। इस वजह से क्या कर रहे ना, जिसम से कपड़े छोटे वो भी कई को पहनी भाई, तू वो भी निकल जा, तू पहन नको पहन उतना ही है, वो ही कर रहे हैं लोग। और इन लोगों के ये माइंडसेट की वजह से क्या हो रहा मालूम, दूसरे बच्चों के साथ गलत आदत से हो जा रहे हैं दूसरे। कई की वजह तो इन लोगों का जो माइंडसेट है ना, सबके दिमागों में ये है, अरे बच्चियाँ ऐसे रहते बोल के। लौंडों के दिमागों में ये बढ़ जा रहा, अरे बच्चियाँ ऐसे रहते, बच्चियाँ ऐसे रहते। कुछ तो जरा ओरिजिनल कर रहा, कब आंग क्या बोलना यार, इन लोगों को देख के घिन आती। इंडिया का बहुत, इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा वेस्टर्न कल्चर आप क्या बोलते हैं अपना ले रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर। ये अपने कल्चर में है ही नहीं यार, कौन से कल्चर में है बोलो ऐसा, ये बिकनी वगैरह पहन के बाहर निकलना। क्या बोलते सनातनी धर्म में है, हाँ नहीं क्रिश्चियन धर्म में है, नहीं इस्लाम धर्म में है, कौन से भी धर्म में नहीं है, पूरा वेस्टर्न का मार ले रहे हैं सवालियाँ। क्या बोलना, ऐसे पुटियों का रहना नहीं रहना एक ही। और इन लोगों के ऊपर एक बार नहीं 10 बार उंगलियां उठा सकते, कौन क्या भी नहीं कर ले सकते। ये जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म, सो कॉल्ड घटिया सोच जो निकालते ना, वो अपने घर पे रख के निकलो। जैसा पूरे कपड़े घर पे छोड़ दे के निकलते ना, वैसा ये भी बात घर पे छोड़ के निकलो तुम ना। जैसा आधे कपड़े पहन के निकलो, आधे क्या आप तो कपड़े नहीं पहनते, कपड़ा बोलते हो भाई गन की मेरी, क्या बोलना। हाँ तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और वो क्या बोलते बिग बॉस स्टार्ट हो गया, अब देखिए कितना, देखिए ट्राई करता मैं बिग बॉस के ऊपर धड़ाधड़ लास्ट अपन बिग बॉस 10 के वो OTT 3 या OTT 2 के टाइम रोस्ट करे थे शायद, वो भी याद नहीं है, उसके बाद रोस्ट ही नहीं करा था। अब रोस्ट करेंगे ना बिग बॉस, जितने एपिसोड्स वाले बिग बॉस के होते रोस्ट वीडियोस बनाएंगे। और वार्निंग ये देने का था वो दे दिया ना बिग बॉस की, बस मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग या रोस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट ब्लडी आर्मी।